नमस्कार, ऑल राइट चैनल पर आपका स्वागत है। परशुराम सेना ने स्वामी प्रसाद मौर्य के हिंदू धर्म के लिए गलत बोले जाने को लेकर किया हवन। आपको बताते चलें, आज सेठ दामोदर स्वरूप पार्क में परशुराम सेना स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो हिंदू धर्म के लिए गलत बोला है उसको लेकर शुद्धि बुद्धि हवन किया गया दामोदर स्वरूप पार्क में। बरेली से अमरजीत सिंह की रिपोर्ट। नाम है परशुराम सेना से प्रदेश प्रमुख हूँ। क्या कार्यक्रम करा हमने, क्यों करा? आज हमने जो कार्यक्रम किया स्वामी प्रसाद मौर्य के की सद्बुद्धि के लिए कार्यक्रम किया है, हवन किया है, और उनके जो बोल हैं हिंदू धर्म को लेके वो बड़े आपत्तिजनक हैं। वो कहते हैं हिंदू कोई धर्म नहीं है। तो मेरा कहना ये है, अगर हिंदू कोई धर्म नहीं है तो फिर वो किसी दूसरे और भी धर्मों के बारे में बोल के दिखाएं, अगर उनके अंदर इतनी हिम्मत है तो। और स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं कोई, वो स्वामी प्रसाद मौर्य गंदी राजनीति कर रहे हैं और इस देश की जनता इसका जवाब उन्हें आने वाले आगामी चुनावों में देंगे। हवन उनकी सद्बुद्धि के लिए किया है। उनके ऐसे लगातार उनके जो विवाहित बयान है सामने आते रहते हैं, और टारगेट राजू दास को भी उनने किया है, अन्य लोगों को भी किया, क्या कहना चाहते हैं? वो राजू दास जैसे जितने भी महंत हैं उनके खिलाफ भी बोलते हैं और हिंदू धर्म को लेकर भी बोलते हैं। कभी जाति को लेकर बोलते हैं, कभी धर्म को लेकर बोलते हैं। तो इसीलिए हमने आज उनकी सद्बुद्धि के लिए हवन किया है, और हम तो उन्हें आगाह कर रहे हैं, अगर उन्होंने अपने बोलों पर कंट्रोल नहीं किया तो परशुराम सेना उन्हीं की भाषा में फिर जवाब देना भी था। उससे पहले भी उन्हें बयान दिए थे, अब तक फिर क्या कहना है? आगे की रणनीति हम लोग बना रहे हैं। अब आगे अगर वो बरेली में आते हैं तो फिर उस स्तर से उनसे फिर बात होगी। किस तरह का उनका स्वागत हुआ, किस तरह से? वो तो परशुराम सेना आने वाले समय में बताएगा कि हमें उनका कैसा स्वागत करना है। एक बड़े नेता हैं समाजवादी पार्टी के, कहा जाता है, उनके क्या लगता है? समाज बड़े नेता तो नहीं है, समाज नेता नहीं कहो, जितने भी नेता हैं सबकी सद्बुद्धि खराब होती थी। अखिलेश यादव कहते हैं मुस्लिम की बहने, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ तो हिंदू लड़कियों की कौन है? मुलायम सिंह यादव कहते हैं कि साहब हमने हिंदुओं पे गोलियां इसलिए चलवाई कि हमें मुस्लिम वोट चाहिए था, बच्चों से गलती हो जाती है। तो समाजवादी पार्टी के नेताओं की सबकी सद्बुद्धि बेकार है। समाजवादी नहीं, समाजवादी पार्टी बनने जा रही है।